सुजानपुर पटलांदर पंचायत में आत्मा परियोजना के अंतर्गत सुवास पालेकर प्रकृति खेती का कृषि विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष बीरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया। मंडल अध्यक्ष बीरेंद्र ठाकुर ने संबोधन के दौरान किसानों को प्रकृति खेती किस तरह से की जाए और उसके क्या फायदे होंगे उसके बारे में समझाया। सुजानपुर पटलांदर पंचायत में आत्मा परियोजना के अंतर्गत सुवास पालेकर प्रकृति खेती का कृषि विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष बीरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया। मंडल अध्यक्ष बीरेंद्र ठाकुर ने संबोधन के दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती किस तरह से फायदे हो सकते हैं उसके बारे में समझाया। अध्यक्ष ने सभी किसान भाइयों और बहनों को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो उनसे मिलने के लिए कहा था कि वे उनकी समस्याओं का निदान कर सके। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा किसानों के लिए बहुत सी स्कीमें चलाई जा रही हैं और साथ ही साथ सरकार द्वारा दी जाने वाली स्कीमों पर सब्सिडी से भी अवगत करवाया जा रहा है। यहाँ पे आप बहुत भरपूर फायदा उठाएंगे। ये जो प्राकृतिक खेती के ऊपर ये विभाग अभी जोर दे रहा है, कभी सोचा क्यों इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं? हिमाचल में इस वक्त जो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा कैंसर के रोगी पैदा हो रहे तो यहीं से आ रहे हैं। कह रहे हैं भला चंगा का पता नहीं क्या हो, कैसे कैंसर लास्ट स्टेज में पता लग रहा है। हमें पता नहीं हम खा क्या रहे हैं, हम पी क्या रहे हैं, दूध में क्या मिल रहा है किसी को कोई पता नहीं, कौन सी मिठाई हम खा रहे हैं क्या कोई पता नहीं है। ये सोचने की बात है, इसीलिए विभाग चिंतित है। भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं मैं हम राजनीति के लिए राजनीति नहीं करते हैं। मोदी जी ने कभी नहीं सोचा ये बीजेपी को जाएगा, कांग्रेस को जाएगा, किसी को जाएगा। 6,000 रुपए किसानों को आए ना, उन्होंने ये नहीं सोचा कि कौन गरीब बीजेपी के कांग्रेस का है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी जब आती है तो भी आपके बारे में सोचती है, ये भी आप लोगों को सोचना है। बहुत से यहां लुटेरे आते हैं, जादूगर आते हैं, जादूगरी करते हैं, चले जाते हैं। हमने बहुत कुछ गवा दिया यहां से। ये आप लोगों जो हमारा इज्जत मान सुजानपुर का था वो इतना बड़ा धब्बा लगा है, वो धब्बा भी आप लोगों ने धोना है। एक आदमी, मैं उदाहरण देता हूं, एक आदमी आपको महिला मंडल का भवन दे रहा है और एक छोटी सी दरी दे रहा है। हम लोग अपने स्वार्थ के लिए दरी के गुणगान शुरू कर देते हैं, उस भवन को भूल जाते हैं। क्या होता था पटलांदर में, ठाकुर जगदीप जी की धरती यहां भी है, रेस्ट हाउस भी, जितने सड़कें बनी सब बनी भारतीय जनता पार्टी ने की, फिर हम लोग भूल गए। आपका जहाज मैं नहीं लूंगा, सबको भोजन, अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया। मैं एक बार फिर कृषि विभाग और जितने विभाग के हॉर्टिकल्चर और जितने विभाग उनके आए, मैं उनका धन्यवाद करने जाता हूं कि उन्होंने आप इतने पटलांदर के बीच में, आप लोगों के बीच में आकर आपको बहुत कुछ जानकारी यहाँ पे दी है, उसका भरपूर उसका फायदा उठाएंगे। मैं कल परसों मुख्यमंत्री यहाँ पे आए थे, मैं एक जो फूल बेचता यहाँ पे चौकी के पास, मैं उसके पास गया था, बोले भाई साहब हम रात के 9 बजे के लगे हैं, अभी तक हमारा क्लोज नहीं कर पाए, मेरे कितने फूल बेच दिए, बोले तकरीबन 3,50,000 के फूल में आज बेच चुका हूं, 3,50,000 के फूल एक कार्यक्रम पे। अगर हम फ्लोरिकल्चर पे हम काम करेंगे, ग्रीन हाउसेस को हम माननीय धूमल जी मुख्यमंत्री से ग्रीन हाउसेस उन्होंने बनवाए यहाँ पे, 50% आपको सब्सिडी मिली और लोगों ने उसका फायदा उठाया। आज डॉक्टर नीरी बोल रहे थे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर से, आप उसको फिर जो फट गए आपके ग्रीन हाउस उस पर फिर सरकार उसके रिपेयर के लिए फिर फंड आपको दे रही है, तो उसका फायदा आप उठा सकते हैं। सरकार यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है। कृषि विभाग ने बताया कि अभी तक 2000 से भी ज्यादा लोगों को प्राकृतिक खेती की जानकारी दे चुकी है। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र बड़ा से आए कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर चमन चौहान ने किसानों को सरकार द्वारा चलाई गई स्कीमों पर किस प्रकार से किसान सब्सिडी ले सकता है उसके बारे में भी बताया। तो उसमें टांग आने का भी अंदेशा होता है, तो उस पर किसानों को मुआवजा देने के लिए ये मुख्यमंत्री किसान
खेतिहर मजदूर सुरक्षा योजना चलाई गई है, इसमें अगर किसी किसान की तीन उंगली कटती है तो उसको 10,000, अगर किसी का हाथ ही कट जाता है तो 40,000, अगर बाजू पूरे कट जाता है तो 50,000, इस तरह अगर किसी की बाय चांस मौत हो जाती है तो 3,00,000 का मुआवजा सरकार प्रदान कर रही है। इस तरह हमारे पास माइक्रो इरिगेशन स्कीम, जैसे हमारे हॉर्टिकल्चर में भी इसी तरह की स्कीमें, इंटरमिंगल स्कीमें जैसे मिक्स जैसी स्कीमें हैं, जो बागवानी विभाग दे रहा है वो ही कृषि विभाग दे रहा है और थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ फर्क है। तो हमारे यहाँ माइक्रो इरिगेशन के लिए पाइपों के ऊपर जो है वो 80% सब्सिडी है, और अगर टैंक बनाना हो तो टैंकों के ऊपर जो है वो 50% सब्सिडी है, या जैसे किसी ने 9 क्यूबिक मीटर का टैंक बनाना हो तो उसके ऊपर 30,000 रुपये सब्सिडी है, अगर किसी ने 20 क्यूबिक मीटर का बनाना हो तो उसके ऊपर 36,000 रुपये सब्सिडी है, अगर किसी ने 50 क्यूबिक मीटर का टैंक बनाना हो तो 70,000 रुपये सब्सिडी है। इसी तरह बोरवेल, जिसने अगर किसी के पास बोरवेल की वहाँ पे फिजिबल हो सकता है, लग सकता है, तो उसके ऊपर 1,10,000 रुपये सब्सिडी विभाग दे रहा है। इसी तरह उथला कुआं जहाँ पानी आसानी से निकल सकता है तो उसके ऊपर भी 40,000 रुपया जो विभाग सब्सिडी दे रहा है। एक है पायस परमार स्वरोजगार योजना, मतलब पोली हाउस स्कीम, पोली हाउस के ऊपर विभाग किसानों को जो है 85% अनुदान मुहैया करवा रहा है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पर्चा चाहिए, ततीमा चाहिए, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी चाहिए, और एप्लीकेशन फॉर्म हमारे से मिल जाएगा, अगर कोई इच्छुक फार्मर हो तो वो लगा सकता है। इसमें 6 से लेके 1,008 स्क्वायर मीटर तक जो हो आप पोली हाउस लगा सकते हैं। एक है डॉक्टर वाईएस पर, एक है मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस नवीनीकरण योजना, पोली हाउस की जिन्होंने पहले पोली हाउस लगाया है उनकी सीटें फट गई हैं, तो उसके ऊपर भी विभाग सीट को चेंज करने के लिए 70% सब्सिडी दे रहा है, तो उसका भी आप फायदा ले सकते हैं। प्रोसीजर सेम ही रहेगा, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, फोटोकॉपी चाहिए और एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास मिल जाएगा। मंत्री खेत सुरक्षा योजना तार बाड़ की, इसमें 4 प्रकार के तार बाड़ लगाए जा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसमें भी प्रोसीजर सेम ही रहेगा, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी और पर्चा ततीमा, और इसमें एक बारबेड वायर का फेंसिंग है उसके ऊपर जो है विभाग जो है 50% अनुदान दे रहा है। उसमें क्या है, 5 फुट तक हाइट होगी और 6 वायर लगेगी, 2 डायगनल लगेगी, ये इसमें जो जंगली जानवर हैं या आवारा पशु हैं उनसे आप अपने खेतों को बचा सकते हैं। बंदरों के लिए अलग से स्कीम है, बंदरों के लिए हमारे पास सोलर फेंसिंग स्कीम है, उसमें एक तो है सोलर फेंसिंग स्कीम, सोलर फेंसिंग में आपको 9 या 11 वायरों की तारें लगाई जा रही हैं, जिसमें करंट दिया जाता है, बैटरी होती है, एनर्जाइजर होता है, 10,000 वोल्ट का करंट दिया जाता है उसमें, उसमें कोई पशु जो है वो अगर फंस गया तो झटका लगेगा, मरेगा नहीं, तो उसका फायदा भी आप ले सकते हैं। इसी तरह एक जो है कंपोजिट फेंसिंग स्कीम है, कंपोजिट में क्या है वो 2 फुट तक जो है वो जाली लगेगी और ऊपर जो है 90 सेंटीमीटर तक जो है वो 5 वायरें लगेगी, उसमें करंट चलेगा, वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, उसमें 70% सब्सिडी विभाग दे रहा है, तो इन चीज़ों का फायदा ले सकते हैं आप। एक जो है वो चेन लिंक फेंसिंग है, उसमें सारी 4 फुट तक जो है वो आप वो जाली लगेगी, तो उसका फायदा भी आप ले सकते हैं। कार्यक्रम में डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर मीनाक्षी शर्मा द्वारा प्राकृतिक खेती के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अनुदान के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में पूर्व मंडल अध्यक्ष कैप्टन रंजीत सिंह परदेश, कार्यकारिणी सदस्य बीरेंद्र ठाकुर, रमेश ठाकुर, महामंत्री अनिल शर्मा, पवन शर्मा, मीडिया प्रभारी विनोद ठाकुर, प्रधान शर्मिला राणा, महेंद्र शर्मा व भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पौधों की डिमांड देते हैं और उसी के अनुसार ब्लॉक वाइज हर ब्लॉक में पौधे आते हैं जिनका वितरण किया जाता है।
और अगर कोई किसान, जैसा कई बार ऐसा होता है कि आपको आपकी जमीन पे आप कुछ नहीं लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस पे कोई फलदार पौधे लग जाए, तो आप अगर कोई 25-30 ऐसे कुछ पौधे ज्यादा मात्रा में लगाना चाहते हैं, तो हम उनको प्रॉपर लेआउट करके देते हैं, उनका एरिया देखते हैं, उनका वाटर सोर्स देखते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको उस हिसाब से कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए, और एक महीना पहले उनको सजेस्ट करते हैं कि आप खड्डे कर दीजिए और फिर जो आपको लेआउट दिया गया है उसी हिसाब से आपको पौधे लगाने हैं, और इसमें आपको 50% तक की सब्सिडी भी सरकार प्रदान करती है। पर आपको सब्सिडी तभी मिलेगी अगर आप हमारे बताए गए लेआउट के हिसाब से उसी हिसाब से अपने पौधों को लगा दें। कई बार लोग ऐसा भी कर देते हैं कि हमने अपने मर्जी से पौधे लगा दिए और फिर आ जाएंगे कि हमें अनुदान देने इस चीज के ऊपर, तो वो हमें सरकारी नॉर्म्स के हिसाब से ही चलना पड़ता है। जिस हिसाब से हमारे पास नॉर्म्स होंगे उसी हिसाब से अगर आप पूरी प्रॉपर प्लांटेशन करेंगे, पूरे कागज पूरे करेंगे, तो उस हिसाब से हम आपको आगे अनुदान दे सकते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।